शहर में लॉकडाउन लगने से सभी क्षेत्र में खलबली मची हुई है। हर किसी के कारोबार बंद पड़े हैं। ऐसे में शहर की जनता की क्या राय है इस लॉकडाउन को लेकर, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। कोरोना महामारी ने सबको झकझोर के रख दिया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने नागपुर में लॉकडाउन लगाया है। शहर में लॉकडाउन लगने से छोटे बड़े दुकानदार से लेकर शहर के नागरिक अपना विरोध जता रहे हैं। इस लॉकडाउन को लेकर हमारे संवाददाता संजय मिरे, इन्होंने शहर के छोटे बड़े दुकानदार और नागरिकों से उनकी प्रतिक्रिया ली है। आइए लॉकडाउन को लेकर शहर की जनता की प्रतिक्रियाएं उन्हीं की जुबानी देखते हैं शहर के नागरिकों में। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने फिर से एक बार शहर में लॉकडाउन जारी किया है। लॉकडाउन के चलते सभी कामकाज बंद है। ऐसे में यदि 15 मार्च से लेकर 21 मार्च तक का ये समय मुकर्रर किया गया है और 21 मार्च के बाद भी यदि प्रशासन लॉकडाउन बढ़ाता है तो इसके ऊपर में शहर के लोगों की अपनी क्या प्रतिक्रिया है, ये जानने के लिए बीसीएन टीम आज शहर के हर परिसर में जाके लोगों से बातचीत कर रही है। इस समय में हमारे साथ में सामाजिक कार्यकर्ता राजू भूतमांगे जी, आइए उनसे भी जानना चाहेंगे। भूतमांगे साहब, ये बताए कि जिस तरह से लॉकडाउन का अगर प्रशासन ने समय बढ़ाया तो इसका कितना क्या लोग प्रभावित होंगे, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? लोग तो प्रभावित होंगे, पर लॉकडाउन बढ़ाया क्यों जाता है ये पब्लिक ने समझना चाहिए, पब्लिक ने रिस्पांस देना चाहिए। बीमारी कोई गवर्नमेंट लेके नहीं आई है, ना आप लेके आए ना हम, वो प्राकृतिक है, उसका कैसा मूल मापन करना चाहिए। सबने घर में रहना चाहिए, बाहर जा रहे तो मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए। ये सब पब्लिक ने करा तो लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं, ये समझना चाहिए पहले। अपन हर बातें सरकार को दोषी देंगे या कोई आदमी को दोषी, ये उचित नहीं है। लॉकडाउन का समर्थन तो करता नहीं है और ना विरोध करता हूँ मैं। पब्लिक यदि सही ढंग से पेश आई तो लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं, ऐसा मेरा दबा के कहना है मेरा। जर पब्लिक ने यदि सोशल डिस्टेंसिंग मास्क वापरा तो कोई ज़रूरत नहीं है लॉकडाउन लगाने की, सब काम चलते रहेंगे। अभी इतना अच्छा चल रहा था, एकदम डबल में हो रहा है पिछले साल में, अभी एक साल हो ही रहा, अपने 21 तारीख को एक साल होता है लॉकडाउन को, एक साल में अभी अपन डबल की संख्या दे रहे हैं, तो अपना मतलब क्या है इसमें? कोई गवर्नमेंट या डॉक्टर या कोई ज़बरदस्ती कोरोना छोड़ रहे हैं? नहीं, ये अपनी तकलीफ है, ये अपन ने समझना चाहिए कि अपनी तकलीफ है। अपने घर में बूढ़े लोग हैं, माँ बाप है, बच्चे हैं छोटे, इनकी सबकी जिम्मेदारी अपनी है करके अपन ने करना चाहिए। वैसा लॉकडाउन उचित नहीं है क्योंकि लोगों की रोजनदारी है, लोग कहीं कुछ काम धंधे वाले वो बेरोजगार न पड़े, इसके बहुत बुरे हाल होने वाले। और कोई किसी को चिंता नहीं, अपनी चिंता अपने को करना है। माननीय मुख्यमंत्री साहब ने मी जवाबदार ये जो वर्ड निकाला है वो सही में मी जवाबदार समझ के ही काम करना चाहिए, इतना मैं बोलता हूँ। देखो, ये प्रशासन लॉकडाउन जो है इसकी वजह से पूरे व्यापारी वर्ग का नुकसान हो रहा है और छोटे छोटे जो काम धंधे वाले हैं उनको पूरा नुकसान होते जा रहा है, आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है उनकी। गरीब वर्ग जो है उनको आज खाने के लिए मोहताज हो गए हैं और दिन ब दिन ये बढ़ते जा रहा है। प्रशासन ने इसके ऊपर में कुछ दो दिन तीन दिन, हफ्ते में दो दिन या दो तीन दिन ऐसा फुल लॉकडाउन करने को ना, ताकि बाकी के दिन में गरीब जनता या छोटे छोटे व्यापारी जो है वो अपना पूरा कारोबार चला सके और रोजी रोटी चल सके। और प्रशासन ने कोरोना का जो विषय लिया हुआ है वो कोरोना इतना नहीं है जितना मीडिया दिखा रही है। आज मुस्लिम वर्ग जो है उसकी टेस्ट नहीं हो रही है, बाकी जो वैक्सीन वगैरह जो बेचे जा रहे हैं ब्लैक में बेचे जा रहे हैं, इसके ऊपर में प्रशासन ने थोड़ा नज़र डालने को होना और छोटे व्यापारियों को इससे राहत दिलाने को होना। लॉकडाउन बढ़ने के लिए ना हम ना गरीब भूखे मर जाएंगे, वह गरीब भूखे मर जाने के बाद में क्या करेंगे हम लोग, इसलिए हमारे कुछ और लॉकडाउन बढ़ने के लिए हफ्ते में एक दो दिन बंद रखो, बाकी दिन चालू रखो, ऐसा हमारा कहना है। उसके ऊपर तो हम कुछ बोल नहीं सकते, वह तुम्हारा जो कुछ है जो बोलने का वो करने का तुम करो। लॉकडाउन इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि गरीबों का सब इस लॉकडाउन के वजह से गरीब लोग अपने घर में जो रोजी रोटी है सब बंद हो गई है, तो और उन लोगों को बहुत परेशानी हो रही है और उसके वजह से सब बेरोजगारी फैल रही है। लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, लॉकडाउन होने के वजह से गरीब लोगों का बहुत ही नुकसान हो रहा है। इस वजह से अभी पूरा एक साल से आर्थिक मंदी आ गई है पूरी, और अभी इस दौरान भी अगर लॉकडाउन होता है तो बड़ी काफ़ी मुसीबतों से उन लोग सह रहे हैं। प्रतिक्रिया ये है कि लॉकडाउन नहीं बढ़ना चाहिए। लॉकडाउन बढ़ा तो अभी देखो 1 बजे तक मार्केट चालू रहता है, बराबर है,
मार्केट चालू होने के बाद में सवेरे बाजार वाला बाजार जाएगा कब और माल लाएगा कब और बेचेगा कब, 4 बजे तक बाजार बढ़ता है। सवेरे 4 घंटे बाजार के अंदर में तुम्हारे पुलिस वाले आ जाते हैं, मार्केट बंद हो जाता है। अभी खाने वाले खाएंगे कैसे, मेरे को ये बताइए सर। बात ऐसी है कि दुकान ये तो चालू होना चाहिए। एक तो तुम समय सीमा बढ़ा दो ना सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, 7 बजे तक बढ़ा दो चलेगा। लॉकडाउन बोल रहे ना आप, कोरोना बढ़ रहा है, हमको भी मालूम है, हम भी समझ सकते हैं कोरोना बढ़ रहा है करके, लेकिन प्रॉब्लम ये है सर कि खाएंगे कैसे। सबसे पहली बात तो अभी यहाँ पे रोजनदारी वाले लोग बहुत हैं, सवेरे लाता है माल, बाद में बेचते हैं। अब माल पड़ा है तो जो गला हुआ माल है, समझ लो सादा जो माल रहता है, सब्जी भाजी हो गई, सब्जी भाजी के अंदर में क्या होता है सर, सवेरे माल लाया 1 बजे तक बेचा तो बेचा, नहीं तो फिर फेंकना पड़ता है। दूसरे दिन तो लेवल नहीं है कोई, दूसरे दिन नया माल आने वाला है। तो सर लॉकडाउन नहीं बढ़ना चाहिए, कहने का मतलब यह है कि लॉकडाउन नहीं बढ़ना चाहिए। लॉकडाउन के लिए कुछ शीतलता बनाइए, सरकार कुछ इसके बारे में सोचिए, आयुक्त तो सोचिए, महापौर जी सोचिए, पालक मंत्री जी सोचिए। पालक मंत्री ने क्या बोल दिया, लॉकडाउन हो गया लॉकडाउन, लेकिन पेट्रोल पम्प चालू है, दारू चालू है, ये कैसा फिर ये इसका इसके बारे में सरकार ने सोचा क्या कभी। अपना बराबर चालू है, लेकिन जो रोजमर्रा से काम कर रहे हैं उनका कुछ नहीं है। मेरे कहने का मतलब एक ही है, लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। लॉकडाउन को लेकर लोगों के देख सकते हैं कि मार्केट में सन्नाटा फैला हुआ है, फूड ब्रांड वालों पे लॉकडाउन की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें कोई भी ऑर्डर नहीं मिल रहा। मैयत के बाजे वाले के पास हम आए, आइए उनसे जानते उनकी जुबानी। भैया ये बताइए कि लॉकडाउन का यदि समय सीमा बढ़ती है तो क्या आपकी प्रतिक्रिया है? क्योंकि भुखमरी मुर्दे भी मर रहे हैं, उनकी भी संख्या कम हो रही है, हमारा धंधा पेट पानी उनके ऊपर है, तो हम क्या भूखे मरेंगे क्या? बाजे वाजे सब बंद हो गए हमारे। तो बैंड वालों से जब हमने बात किया और भी कुछ कलाकार लोग इस समय मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं, आप क्या कहना चाहोगे? अभी बैंड वालों की कंडीशन तो ऐसी हो गई कोरोना काल के इसमें, 2020 के अंदर में कोरोना लग गया था, 21 चालू हो गया, वहाँ पे 6 महीने पूरे बैंड की व्यवस्था घसर गई। जो मरने वाली संख्या थी, मेरे पास में एक दिन में 7-8 मुर्दे बजाने को आदमी जाते थे, कलाकार जाते थे, अपना पेट पानी भरते थे। आज कंडीशन ऐसी हो गई, लॉकडाउन लगा दिया, मैयत ज़्यादा हो रही बोले, लेकिन बाजार में भी दिन में एक कस्टमर होता, 8-8 दिन कस्टमर नहीं हो रहे। और सरकार बोल रही कि कोरोना के वजह से महामारी चल रही, महामारी कोरोना की वजह से सरकार की चल रही क्या गरीब जनता की चल रही, इसके ऊपर में डिपेंड है। सरकार का फायदा हो रहा, गवर्नमेंट का फायदा हो रहा, और गरीब जनता भूखी मर रही। अब हमने ये काल में क्या करना चाहिए, ये सवाल हम सरकार से कर रहे, क्योंकि आज मेरे दुकान के अंदर में 20 कलाकार काम कर रहे, नागपुर शहर के अंदर में 40 तो 50 बैंड पार्टी है, बाहर गांव के कलाकार आते, एक कलाकार के पीछे 7-8 लोगों का परिवार रहता, 25 कलाकार के पीछे में कितने लोगों का परिवार होगा। तो लॉकडाउन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? नहीं, लॉकडाउन लगना नहीं चाहिए, लॉकडाउन जैसा लगेगा वैसी और हालत खराब हो जाएंगी, और उसमें गवर्नमेंट का ही फायदा है, गरीब जनता का पूरा मरण है। बिल्कुल, गरीब जनता का मरण है ऐसा इनका कहना है। और भी कुछ लोग हैं, आइए उनसे जाना चाहेंगे। सर आप क्या कहना चाहोगे, क्या आपकी प्रतिक्रिया इस बारे में? मैं तो यही चाहूँगा कि आप लॉकडाउन लगाओ मत, सिर्फ समय की सीमा बढ़ा दो, जैसे कि पहले किया था 9 बजे बंद, वैसे 9 से 9 बंद रखो। अगर लॉकडाउन लगाना है आपको तो हमारे अकाउंट में 15,000 रुपये डाल दो, फिर आपको जितना लॉकडाउन लगाना है 1 महीने भर का लगा दो, क्योंकि हम पत्थर कोटे खा के तो जिएंगे नहीं ना। आपका पेमेंट लागू है, गवर्नमेंट वालों का पेमेंट लागू है, हमको क्या मिल रहा? आप बिजली कनेक्शन काट रहे, नल का बिल रिकवर कर रहे, सब कर रहे, हम क्या करेंगे? टैक्स भरवा लिए उसके बाद में लॉकडाउन लगा रहे? अब मेरे घर में होली का काम चलता, मेरे घर में गुलाल ला के रखे, कलर ला के रखे, मैं बेचूंगा कब? वो मैं लोगों को बैच से पैसे लाओ दूंगा कब? एक काम करना चाहिए, पालक मंत्री जी ने सबके अकाउंट में पैसे डाल दो और लॉकडाउन लगा दो, तब हम शांत रहेंगे, नहीं तो फिर हम रोडों पे आ जाएंगे। अब हमारा यही कहना, लॉकडाउन बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। आदमी ने सबको कोरोना के इससे अभी सबको समझ आ चुकी है कि कोरोना किससे होगा, लोग दूरियां बनाना चालू कर चुके हैं, लॉकडाउन रहने से बहुत तकलीफ हो चुकी है, और आगे लॉकडाउन करेंगे और ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी और प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी, लॉकडाउन अब नहीं करना चाहिए। अदर स्टेट में कहीं पर भी लॉकडाउन नहीं लगाया गया है, लॉकडाउन लगाना ठीक है पर रोजी रोटी का और कोई पर्याय देखना चाहिए। और लॉकडाउन लगाने से
खाने के बड़े दिक्कतें आ गई है, रोजगार नहीं चल रहे, कमाएंगे नहीं खाएंगे क्या, और उसके बाद फिर एमएसपी के जो बिल है वो नहीं स्टॉप हो रहे, पेट है वो रोज़ खाने को मांगता है, और काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही है। और लॉकडाउन लगाने की वजह से सबसे बड़ी जो तकलीफ़ हो रही है वो गरीब और मध्यम वर्ग जो है भी, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास अमाउंट नहीं है और सरकार की ओर से कोई उनको सुविधा नहीं है। शिव भोजन मिल रहा है ठीक है, पर शिव भोजन में कितने लोगों को, इन्हें काफ़ी कम लोगों को वहाँ खाना मिलता है। और शिक्षित जो परिवार है भाई वो तो नहीं जाएगा वहाँ पर, और उसके बाद समझदारी जिसमें है वो कोरोना के प्रादुर्भाव से खुद को बचाने के लिए, अगर उसको जीवन चाहिए तो वो करेगा, अगर जीवन नहीं चाहिए तो वो खुद कोरोना को साथ लेगा और मर जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। तो आपका ये मानना है कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए? नहीं, लॉकडाउन बिल्कुल लगना नहीं चाहिए। लॉकडाउन लगने से बीमारी से तो कम मरेंगे, भूख से सबसे ज़्यादा मरेगा इंसान। तो आप थे इन शहर के तमाम नागरिक जिन्होंने बखूबी बेबक के साथ बात करते हुए ये कहा है कि कोरोना के महामारी से लोग कम मरेंगे मगर भूखमरी से लोग ज़्यादा मरेंगे। अब शहर के अलग अलग परिसर में हम गए और वहाँ के तमाम नागरिकों से जब हमने बात की तो किसी ने विरोध किया इस लॉकडाउन का, तो किसी ने समर्थन करते हुए भी नज़र आए। ऐसे में करे तो करे क्या, ये सवाल अब प्रशासन के आगे में है। लेकिन एक बात तो तय है कि कोरोना महामारी का दिन ब दिन आंकड़ा बढ़ते जा रहा है, जिसके चलते मृत्यु की संख्या भी बढ़ रही है। ऐसे में एक तरफ है कोरोना तो दूसरी तरफ है पेट की आग। अब दोनों में से किसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं ये एक देखना बाकी है। नागपुर शहर से कैमरा पर्सन मोनू खान के साथ संजय मीरे, BCN न्यूज़ नागपुर।